आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चन 5 तक एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 6 मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन 6 में चार पार्ट्स हैं, उसमें से दो पार्ट्स मैं ले रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि आपको सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी होगी, वो मैं ले रहा हूँ। देखिए आप, फर्स्ट 2a-3b होल क्यूब, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, एक्स माइनस वाई विद इन ब्रैकेट। आप अब देख सकते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की फॉर्म में मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? राइट हैंड साइड। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि राइट हैंड साइड हमें क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसको कैसे ओपन करेंगे। फर्स्ट यार एक्स इज इक्वल टू 2a एंड वाई इज इक्वल टू 3b, तो बिल्कुल सिंपल है। इस आइडेंटिटी को देखते जाइए और सारी वैल्यूज़ रख दीजिए। x की वैल्यू यहाँ पर 2a है, तो 2a³ यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब, y की जगह 2 3b, 3b³ माइनस, अब आपको ये इसी को देखकर बना देना है, 3xy, एक्स इज इक्वल टू 2a, तो 3 × 2a × 3b, 3xy एंड विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई मीन्स 2a-3b। इसका क्यूब कर लीजिए, 2 का क्यूब होता है 8, ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, बी क्यूब माइनस 3 × 2 = 6, 3 = 18, a × b ab एंड विद इन ब्रैकेट 2a-3b। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, सेकेंड स्टेप भी वही रहेगा, थर्ड इसका स्टेप बनेगा 18 ab × 2 करेंगे आप, तो 18 × 2 = 36, ab में a²b, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा यहाँ। अब देखिए सर अगला स्टेप, माइनस माइनस प्लस, 18 × 3 = 54, ab क्या बनाएंगे, ab²। इसी का एक और पार्ट मैंने लिया है, फोर्थ पार्ट, x-3y 2/3y का होल क्यूब, ये भी इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। अब आप देखिए कैसे, राइट हैंड साइड इसका ओपन करिए, x³ - y³ - 3xy, x-y, हियर x = x एंड y = 2/3y। आप ये मान सकते हैं, या इस आइडेंटिटी को a-b³ में भी आप लिख सकते हैं, तो आपको थोड़े वेरिएबल यहाँ चेंज लगेंगे। तो x³ - y³ मीन्स 2/3y³ माइनस 3ab a-b, इसको ओपन कर लेंगे, ये सारे ओपन करके मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं ले रहा हूँ। 7 क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, 99³, 102³ एंड 998³। 99 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, 90+9 का होल क्यूब या 100-1 होल क्यूब। अगर आप 90+9 से करते हैं तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी x + y होल क्यूब, और अगर आप इसको करते हैं 100-1 से तो इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी, जो कि मैंने ऊपर भी लिखी हुई थी, एक्स वाई की फॉर्म में थी, यहाँ ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी है मैंने, एक्स और वाई की जगह ए और बी लिया है, तो आप इससे मैच कर सकते हैं इसको, a-b होल क्यूब, यहाँ a-b होल क्यूब, राइट हैंड साइड इसका आंसर होगा, राइट हैंड साइड आइडेंटिटी का। तो राइट हैंड साइड में a³, हियर a = 100, b = 1, इसको ओपन कर दीजिए, a³ = 100³ - 1³ b³ माइनस 3ab एंड a-b, इसका क्यूब आप करेंगे तो 1 और 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, -1 - 100 × 3 = 300 और 100 - 1 = 99। ये 99 × 300 = 29700 और -1, या तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए या इसको इसके साथ ऐड कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 29701 को इसमें से माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ, जिसके कि 5 पार्ट्स हैं, मैं उसमें से थोड़ा मुश्किल वाले पार्ट्स आपके लिए ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट एक ले रहा हूँ और एक फिफ्थ पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी आता है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab²। अगर आप क्वेश्चन की आइडेंटिटी से मैचिंग करना जानते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस आइडेंटिटी से, इस आइडेंटिटी के पॉजिटिव वाले फॉर्म से, जिस जो कि इस तरह से x³ + y³ + 3xy x + y एंड x + y होल क्यूब, इससे मैच करते हैं, ठीक है। तो
इसमें फर्स्ट पार्ट आप बनाएंगे एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मीन्स 8a का होल क्यूब बनेगा 2a³ प्लस वाई क्यूब, वाई इज इक्वल टू बी बी क्यूब। अब इस टर्म को आपको अगर बनाना है तो 6ab कॉमन ले सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। एक और तरीका है, ये स्टेप मत बनाइए, आप 8a में 2a³ प्लस बी क्यूब बना लीजिए। और अब आइडेंटिटी को देखिए, आइडेंटिटी हमारे पास होती है एक्स प्लस वाई होल क्यूब इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। हमने ये दो टर्म बना दिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो x कितना है यहाँ पर 2a, वाई कितना है b, तो ये टर्म आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसी को लिख सकते हैं। आगे ये आइडेंटिटी एक्सपेंड कर लीजिए और बाद में चेक कर लेंगे वो टर्म्स लिखे हुए हैं या नहीं। तो 3x की जगह 3xy, x की जगह लिखिए 2a और y के स्थान पे लिखिए b, तो 3 × x × y और x प्लस वाई। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके ये टर्म आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही टर्म बनेगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई होल क्यूब बना दीजिए, हेयर x इज इक्वल टू 2a एंड b इज y इज इक्वल टू b, 2a प्लस b होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं एक पार्ट और ले रहा हूँ इसका, फिफ्थ पार्ट, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट x माइनस वाई होल क्यूब, जो कि क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है। अब इसमें ये देख लीजिए कि किन के होल क्यूब बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ये वाला पार्ट इधर लिख दिया जाता है, तो ये नहीं कि सेकंड प्लेस पर जो लिखा है वो वाई क्यूब ही होगा, फर्स्ट प्लेस पर जो लिखा है वो एक्स क्यूब ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जामिनर क्वेश्चन के स्टेप्स के प्लेस भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो 27p को हम क्यूब को लिख सकते हैं 3p होल क्यूब माइनस, इसको 1/216 को लिख सकते हैं 1/6 होल क्यूब। अब चाहे तो आप इस स्टेप को बिना देखे भी बना सकते हैं, कैसे, आइडेंटिटी में आ जाइए, माइनस 3xy, 3x की जगह रखिए 3p, y की जगह रखिए 1/6 और x माइनस वाई की जगह रखिए 3p माइनस 1/6। इसको पूरे को सॉल्व करके देखिए, आपका यही बन जाएगा, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई होल क्यूब, यानी 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।